Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Okay, students, welcome to lecture number 25, MTH 494, Sampling Design and Analysis. And I hope you are enjoying this course, because this course is getting interesting day by day. And we are working very hardly, and बहुत ज़्यादा मेहनत से हम वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जी जो जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और वो कैसी चीज़ें हैं और हाउ टू सॉर्ट इट आउट. सो ऑल द डिफरेंट ऑप्शंस, ऑल द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इन द कोर्सेज, सो वी आर ट्राइंग टू ओवरकम एवरीथिंग इन्वॉल्व हेयर, राइट? सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू लेक्चर नंबर 25. इससे पिछले लेक्चर में सो फार हमने क्या किया, we just try to understand that how to estimate the population proportions. And usme humne ye dekha tha ki kyunki zyada tar logon ka jo interest hota hai wo aur hame ye baat waise bhi pata hai ki real life mein hum yahi wahan pe dekhna cha rahe hote hain ki overall hamari population ke andar is ek khas event ka, is ek khas characteristic ka kya kya role ho sakta hai. And humne usko dekha bhi aur usko understand bhi kiya. Then humne uske sath wo wahan pe jitni varieties thi usko bhi dekha. Ek cheez jo ki yahan badi important thi, jisko humne understand karne ki koshish ki, वो ये थी कि व्हाट इज बेसिकली प्रोपोर्शन, ये होती क्या बला है. असल में दैट इज अ प्रोबेबिलिटी. सो ऑब्वियसली अगर हम किसी खास कैरेक्टरिस्टिक में इंटरेस्टेड हैं तो क्या होगा, जब हम अपने रिस्पॉन्डर्स के पास जाएंगे और जाके उनसे ये पूछेंगे कि आर यू इन फेवर ऑफ दिस, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस, डू यू लाइक ब्लैक, डू यू लाइक वाइट, तो वो ऑब्वियसली कोई उसमें से क्या रिस्पॉन्स देंगे, येस आर नो का. सो जब कभी भी हम यहाँ पे इन जनरल प्रोपोर्शंस को हैंडल करते हैं तो हम वहाँ पे इसी तरह की हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारा फीडबैक है या जो हमारा रिस्पांस है वो जीरो और वन की फॉर्म में आता है. सो हम इसी की बेस के ऊपर, इसी तरह इसी के स्टाइल में डाटा को लेके चलते हैं और फिर उसको हम वहाँ पर सॉल्व भी करते हैं और असेस करने की कोशिश भी करते हैं. सो एक चीज़ और यहाँ पर यह है कि जब हम इनके एस्टिमेटर्स को फाइंड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास पीज और क्यूज इन्वॉल्व होते हैं. अब एक ऑप्शन तो ये है कि हमारे पास वो पी और क्यू की वैल्यूज हों. ऑब्वियसली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन तो हमारे पास वो वैल्यूज नहीं होती. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन एस्टिमेट इट. एस्टिमेशन कैसे होगी, या तो हमारे पास ऐसा प्रायर नॉलेज हो. अगर प्रायर नॉलेज भी नहीं है, इंटेलिजेंट गैस भी नहीं लगाया जा सकता, तो फिर हम क्या करते हैं, हम वहां पर इक्वालिटी एज्यूम करते हुए पी और क्यू को वहां पर 0.5 ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं. ये काम हम ऑलरेडी सिंपल रैंडम सैंपलिंग में भी कर चुके हैं और ये काम हम ऑलरेडी यहां पर भी कर रहे हैं, राइट? फिर हमने ये भी देखा कि जो आपके पास पॉपुलेशन का साइज है कैपिटल एन, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अब वो नोन है तो, और अननोन है तो क्या सिचुएशन होगी, ये बात हमने डिस्कस की. बिकॉज अगर आप यहां पे आके इनके एस्टिमेटर्स के जो भी हमने यहां रिलेशनशिप डिफाइन किए हैं उनको अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि इनके अंदर कैपिटल एन की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है. और उसमें भी स्पेशली जब हम इसके अंदर वेरियंसिस फाइंड कर रहे होते हैं तो उनके अंदर कैपिटल एन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है. तो अगर हमें पॉपुलेशन का साइज नोन ही नहीं होगा तो फिर उस सिचुएशन में हमने ये बताया कि वी कैन इग्नोर एफपीसी. एफपीसी हमारे पास बेसिकली यहाँ पे एन माइनस एन, दिस एन माइनस एन बाई एन जो है दैट इज अवर एफपीसी, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर. हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, राइट? सो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि इफ एन इज लार्ज एंड इफ द ऑब्जर्वेशंस विद इन द सिस्टमैटिक सैंपल आर अनरिलेटेड, दैट इज रो इज इक्वल टू जीरो, द टू पॉपुलेशन वेरियंसेज विल बी इक्वल. सो उस सिचुएशन में भी हमने देखा कि हाउ टू हैंडल दैट थिंग. देन हमने ये कहा था कि सैंपल साइज को अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हाउ टू सेलेक्ट द सैंपल साइज, तो उसके अंदर एक बात जो कि हम इससे पहले जब भी हमने सैंपल साइज को एस्टिमेट करने की कोशिश की, हमने ये बात वहां पे एक्सप्लिसिटली मेंशन की कि सैंपल साइज जब भी फाइंड किया जाएगा वो उसी सिचुएशन में फाइंड किया जाएगा जहां पे आपके पास कोई एरर लिमिट होगी. सो जब एरर लिमिट मौजूद है तो हम अगर उसके अंडर रहते हुए वो सैंपल साइज फाइंड कर रहे हैं, देन दैट एरर लिमिट इज बेसिकली बी, दैट इज अ बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन. देन यहां पर एक और चीज जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी वो ये थी कि आपका सिग्मा स्क्वायर एंड पी, व्हाट इज सिग्मा स्केयर, दैट इज अ वेरियंस. तो जब भी हमारे पास कोई भी केस प्रोपोर्शंस का आता है तो वहां पर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं पी क्यू के साथ, राइट? सो उसके अलावा हमने वहां पे कोई एक्स्ट्रा चीज, हमने जब सैंपल साइज देखे थे कि हाउ टू एस्टिमेट द सैंपल साइज वेन एवर यू आर एस्टिमेटिंग म्यू विद अ सर्टेन बाउंड बी, हमने उसके फॉर्मूले भी देखे. फिर हमने बात की थी सैंपल साइज फॉर टोटल एंड सैंपल साइज फॉर आवर प्रोपोर्शन केसेस, राइट?
और हमने इसके ऊपर वहाँ पे क्वेश्चन भी किए. हमारा लास्ट टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर आके हमने अपने अपने लास्ट सेशन को कंक्लूड किया था, दैट वाज रिपीटेड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. क्योंकि हमने ये बात बोली थी कि हम कभी भी सिंगल सिस्टमैटिक सैम्पल के ऊपर कुछ भी एस्टिमेशन, खासकर जो हमारा वेरियंस है या मीन है या टोटल है, हम उनका एस्टिमेट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि जब सिस्टमैटिक सैम्पल जनरेट्स अ रैंडम सैम्पल. सो इसके लिए हमारे पास क्या था कि अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई सिचुएशन है तो वहां पर तो हम बिल्कुल वही प्रोसीजर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में देखा था. लेकिन इन मोस्ट केसेस हमारे पास जो होते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पल इज नॉट इक्विवेलेंट टू द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. इन दैट पर्टिकुलर केस हमारे पास रिपीटेड सिस्टमैटिक सैम्पल जो है वो पिक्चर में आ जाते हैं. राइट, हमने इसके एस्टिमेटर्स डिफाइन किए फॉर मीन एंड फॉर टोटल, और इसके साथ ही हमने अपने लास्ट सेशन को वहां पर कंक्लूड कर दिया था. नाउ अभी हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे. यहाँ पर हमारे पास आ गया, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 4.6 आ गया. अ स्टेट पार्क चार्जेस एडमिशन बाय कार लोड रादर देन बाय पर्संस. इसकी बड़ी सिंपल सी मैं आपको उसका बता दूं कि वो ये नहीं देखते कि आपके पास वहां पे कितने बंदे आए हैं, बल्कि जो गाड़ी का लोड होता है उसके हिसाब से वहां पे पैसे चार्ज किए जाते हैं, उसकी एंट्री फीस. एंड अ पार्क ऑफिशियल वांट्स टू एस्टिमेट द एवरेज नंबर ऑफ पर्संस पर कार फॉर अ पर्टिकुलर समर हॉलीडे. शी नोज फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस दैट देयर शुड बी अबाउट 400 कार्स एंटरिंग द पार्क एंड शी वांट्स टू सैंपल 80 कार्स. टू ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ द वेरियंस शी यूजेस रिपीटेड सिस्टमैटिक सैंपलिंग विद 10 सैंपल्स ऑफ 8 कार्स ईच. 10 सैंपल टोटल लिए गए और हर सैंपल के अंदर 8 कारें थी. तो इससे क्या हुआ, जो उसका रिक्वायर्ड सैंपल था दैट वाज 80, तो इस तरीके से उसने अपना 80 पूरा कर लिया. यूजिंग द डेटा गिवन इन द टेबल एस्टिमेट द एवरेज नंबर ऑफ पर्संस पर कार एंड प्लेस अ बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन. सो दैट इज द डेटा ऑन द नंबर ऑफ पर्संस पर कार एट द रिस्पॉन्स वाई आई आर इन पैरेंथेसिस. रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट था 2, जो दो नंबर गाड़ी वहां पे आई उसके अंदर 3 लोग सवार थे. ये जो आपको यहां पे रेड के अंदर नजर आ रहे हैं ये बेसिकली वहां पे नंबर ऑफ पर्संस ऑन दैट सिलेक्टेड कार. ओके, सो हमारे पास यहां पे सेकंड जो था दैट वाज 5, इसके अंदर 5 बंदे थे, 7 इसके अंदर 2 बंदे थे, जो कार नंबर 13 थी उसके अंदर हमारे पास यहां पे 6 थे, एंड सो ऑन. हमारे पास ये पूरे का पूरा डेटा, और ये बेसिकली क्या है, दैट इज नंबर ऑफ द पीपल इन द कार, और ये आपके पास यहां पे कार नंबर है. सो दिस वाज द फर्स्ट एलिमेंट. देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और 8. राइट, लेट्स गो बैक. उसने क्या किया, उसने बेसिकली यहां पे 10 सैंपल उठाए, उसमें हर एक में 8 कारें थी. देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. राइट, 10, 10, 10. तो अगर यहां पे देखें तो 8 कार हर एक के अंदर हैं. तो ये हमारे पास यहां पे सैंपल नंबर 1 था, इसके अंदर 8 कारें आ गई. सैंपल नंबर 2, इसके अंदर 8 कारें आ गई. सैंपल नंबर 3, इसके अंदर 8 कारें. तो टोटल यहां पे 10 सैंपल थे, और हर सैंपल के अंदर आपके पास 8-8 गाड़ियां मौजूद हैं. बेसिकली इन गाड़ियों का नंबर लगा हुआ है. राइट, और ये आपके पास यहां पे जो ब्लैक में नजर आ रहे हैं ये उस गाड़ी का नंबर है जो उस पार्क में एंटर हो रही है, और आगे जो रेड कलर में है वो नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर कार. राइट, सो वेल, नथिंग स्पेशल आई लेफ्ट इन दिस. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू थिंक इज दैट, अगेन आपके लिए यहां पे क्वेश्चन है कि दिस इज 2, दिस इज 52, दिस इज 102, दिस इज 152. यहां पे 50-50 के हम कहते हैं के इज बेसिकली 50 हियर. आपने ये बताना है ये के इज इक्वल टू 50 जो है वो यहां पे कैसे आया है. चले मैं खुद ही बता देता हूं के कैसे आया. तो बेसिकली यहां 400 हैं, तो 400 तो हमारा जो टोटल सैंपल है दैट इज बेसिकली दिस. तो दिस इज गोइंग टू बी 50, सो के इज इक्वल टू 50. राइट, सो हमने उस नब के 50 का इंटरवल रख के ये पूरे का पूरा यहां पे डेटा डिजाइन किया, और फिर हमने हर एक सैंपल के अंदर, ठीक है, दिस इज माय सैंपल नंबर 1 ऑफ द साइज 8. मैंने इसका मीन निकाल लिया, दैट वाज y1 बार, दैट वाज y2 बार, दैट वाज y3 बार, दिस इज y4 बार, दिस इज y5 बार, दिस इज y6 बार, दिस इज y7 बार, दिस इज y8
8 bar, this is y 9 bar, this is y 10 bar, right? So humne yahan pe in sab ke means bhi nikal liye. Now what we have to do is that we have to estimate the average number of persons per car. Basically ab jo average number niklegi wo pure ke pure data ke liye hum yahan pe find karne ja rahe hain, and place a bound on the error of estimation. So let's go for the solution. This is a very interesting problem for one systematic sampling sample. For one systematic sample, k is equal to n by n, that is 400 by 80, and that is 50, right? Okay, so hence for ns is equal to 10, yahan pe jo aapke paas ye 10 aaya hai, that is basically number of samples. So ns is equal to 10, k prime is equal to 10k, that is going to be 10 into 5, that is going to be 50, right? Okay, no, this is basically 5, okay? And yahan par bhi aap dekh rahe hain, humne yahan par bhi jo likha hai, that is also basically wrong, that is basically 5, aur ye basically humne yahan se nikala, that is 50, right? So the following ten random numbers between 1 and 50 are drawn. So हमारे पास यहाँ पे रेंडम नंबर टेबल से क्या आया, 13, 35, 2, 40, 26, 7, 31, 45, 546. देखिए ये वही रेंडम नंबर्स हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, 2, 5, 7 हमारे पास अरेंज फॉर्म के अंदर यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, राइट? कार्स विद दीज नंबर्स, मैं इसको खुद से फुल डिटेल में लिखना चाह रहा हूं ताकि ये एग्जांपल आपको पूरी तरह समझ आ जाए, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. कार विद दीज नंबर्स, बेसिकली नंबर से मुराद है कि जो इतने नंबर पे वहां पे पार्क में एंटर हो रही है. कार विद दीज नंबर्स फॉर्म अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट for the systematic sample samples. Yahan tak baat samajh aa gayi hai? So in the above table the quantity y1 bar is the average for the first row and so on, right? Then the estimate of the mu is mu hat is equal to 1 by 10, or you can do it like I think it should be generic here, 1 by ns sum I varies from 1 to ns yi bar, that is equal to 1 by 10
3.38 plus 4.38, and if you solve it, you will get 4.16. So that is the estimated value of the mean. Now, before finding the variance, we need to calculate some of the quantities, which we have already calculated here. That is, sum I varies from 1 to ns, yi bar minus mu hat whole square. That is going to be sum I varies from 1 to ns, yi bar squares minus 1 over ns. Sum I varies from 1 to ns, yi bar whole square, right? So by putting the values, what we can have, that is 177.410 minus 1 by 10, 1733.06, that is 4.104. Right. Therefore, estimated variance for the mu hat, that is going to be n minus n divided capital N into summation I varies from 1 to ns, yi bar minus mu hat square divided ns into n minus 1. ये हम ऑलरेडी इससे पहले फार्मूला देख चुके हैं. सो यहाँ पे सिंपली हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, बिकॉज बाकी वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं. 80 डिवाइडेड 400 इंटू 4.104 डिवाइडेड 10 इंटू 9, एंड इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट 0.0365. Therefore, the estimate of mu with a bound on the error of estimation is mu hat plus minus 2 estimated variance of mu hat, that corresponds 4.163 plus minus 2 0.0365, and if you solve it you will be having 4.163 plus minus 0.38. so that is the bound on the error of estimation in which probability of confidence is 95%. ये वही आपका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात हो रही है, और हम ये इससे पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी सॉल्व द क्वेश्चंस लाइक दिस, राइट? So far we have done this, and now this is the end of the systematic sampling, and as I promised that hopefully inshallah in this lecture we are going to finish it up, and we will be having some more stuff, some more things to we will have to bring it in this. So let's have a look on the summary of the unit. Humne jo ye wala unit dekha, that was the third sampling design. This was a systematic sampling. So the systematic sampling is presented as an alternative to simple random sampling. ये बात हम इससे पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं कि बहुत सारे सिचुएशंस यहाँ पर ऐसी हैं जिनमें आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और आपके सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, ये दोनों आपको ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रिजल्ट्स देते हैं. लेकिन दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पॉपुलेशन. इफ़ योर पॉपुलेशन इज रैंडम और योर पॉपुलेशन इज ऑर्डर्ड, देन फाइन
you can better go for the systematic sampling. But if your population is periodic, then due to the cyclic variations, we cannot, it is not recommended to use a systematic sampling, in fact. Okay, so systematic sampling is easier to perform and therefore is less subject to the interviewer errors than simple random sampling. Another advantage of the systematic random sampling is that your systematic sampling is easier to perform, right? Errors isme kam aate hain jo aapke interviews ke darmiyan wahan pe one to one jab aap interviews karte hain wahan pe jo errors generate hote hain wo errors yahan pe kam aayenge as compared to the simple random sampling. In addition, the systematic sampling often provide more information per unit cost than does simple random sampling. To hota ye hai ki aapko jo yahan pe systematic sampling hai wo aapko zyada information deti hai, right, as a per unit cost than does a simple random sampling. We consider estimation of the population mean, total and proportion using the estimators, that is y bar for systematic sample and y bar for systematic, that is for total, and p hat for the systematic random sample, that is systematic sampling respectively. The corresponding bounds on the error of estimation were given for these estimators. We must first consider the type of population under investigation in order to choose between simple random sampling and obviously this systematic sampling. Because हमने ये बात पहले भी बोल चुके हैं, population का role यहाँ पे बहुत important है, and at the same time वो population का role क्यों important हो जाता है, because वहाँ पे आपके सामने correlation आ जाता है, population correlation की बात आ जाती है. So we have to be very much careful. For example, when n is large and rho, that is a population correlation coefficient, is negative, the variance of y bar for the systematic is smaller than the corresponding variance of y bar based on simple random sampling. A systematic sample is preferable when the population is ordered and n is large. Ye bahut important baat hai with respect to your exam stuff, okay? When the population is random, the two sampling procedures are equivalent and either design can be used. Care must be used in applying systematic sampling to the periodic population. Yes, agar the population aapki periodic hai, then you need to be very much careful that either you should use a systematic sampling or not. Sample size requirements for the estimating mu, tau and p are determined by using formulas presented for the simple random sampling. हमने almost वही formula use की हैं जो कि हम वहाँ पे simple random sampling के अंदर use कर चुके थे. Repeated systematic sampling discussed in last section, it follows the experimenter to estimate the population mean or total and the variance of the estimator without making any assumption about the nature of the population. So that is the end of the systematic sampling, right? So हमने अपना जो यहाँ पे था third design वो हमने complete कर लिया. और देखें, जब हम ये कहते हैं कि हमने एक तो sampling design को देखना है, फिर हमने उसका analysis भी करना है with respect to other designs. So far हमने सबसे पहले simple random sampling पढ़ी, उसके अंदर as such comparison किसी भी चीज़ के साथ नहीं था, because what we believe that is a very basic technique, that is a very basic design जो के हर सैम्पलिंग टेक्निक में आप देखोगे कि वो अप्लाई हो रहा था. सो हमने वहाँ पे उसको देखा, फिर हमने उस जैसे ही हमारा वो वाला यूनिट एंड हुआ, हमने उसके ऊपर खुद से ऑब्जेक्शन किए कि वेल ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हाईली एप्लीकेबल भी है, लेकिन स्टिल उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं. और बेसिकली वो प्रॉब्लम उसमें नहीं है, वो प्रॉब्लम हमारे पास वहाँ पर डेटा के अंदर थे, राइट? सो हमने वो सारे प्रॉब्लम समझे, फिर हमने कहा फाइन, वी शुड हैव अ न्यू वे आउट और अ न्यू डिज़ाइन और अ न्यू टेक्निक. उसके लिए फिर हमने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग डिफाइन की, और हमने हर लेवल पे ये देखा कि जब भी हमने स्ट्रेटिफाइड पढ़ी, हमने कहा वेल ये हम सिस्टमैटिक में ऐसे नहीं कर सकते थे, या वहाँ पे सिस्टमैटिक के अंदर मसले थे, दैट्स व्हाई वी स्विच्ड टू वर्ड्स, हमने कहा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. देन आफ्टर हैविंग लाइक अ लिटिल बिट एक्सटेंशन, वी मूव टू वर्ड्स दी वहाँ पर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. लेकिन यहाँ पे आके हमने ये देखा कि वेल हमारा कंपैरिजन लाजमी बात है वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड और यहाँ पे सिंपल रैंडम के साथ था जरूर, लेकिन एट द सेम टाइम वी फाइनली कंक्लूडेड कि आपके सिस्टमैटिक और जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वो भारत मोर लेस इक्विवेलेंट ही है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ रोल ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. कि हमने ये देखा था कि रोल ऑफ पॉपुलेशन, और साथ उसकी एक चीज़ और थी, दैट वॉज अ पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट.
दैट इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेस एंड वाइज. ओके, हमने वहां पे वो भी देखा और हमने वहां पे ये कंक्लूड किया कि एक सिचुएशन के अलावा जहां पे आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है कि आइदर यू शुड गो फॉर द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और नॉट, रेस्ट यू कैन यूज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड आपको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज गोइंग टू प्रोवाइड यू हाईली प्रिसाइज रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. नाउ वी आर हैविंग द फोर्थ डिजाइन. दिस इज आई थिंक आई शुड राइट that is the fourth sampling design which is the cluster sampling, right? aur hum already iski definition dekh chuke hain ki jab bhi cluster sampling ki baat picture mein aati hai to hamare zehen mein kahin na kahin pe ek image jo ki hum kehte hain geographical image hamare zehen mein aa jata hai. so hum iski abhi jayenge iske introduction ke upar. we will have to look in this, right? and then hum dekhenge ki hum iske upar kya kar sakte hain aur kya cheeze iske andar nayi we can have. so before going into the brief introduction I would like to spend time on these slides because pehle main intro deta hu phir slide pe jata hu to wo thoda sa time zyada consume hota hai. we are already short of lectures, we don't have time, so we have to put more emphasis on what is written here because yahan pe koshish ki gayi hai ki we have to provide some concrete stuff, right? just recall that the objective of the sample design is to obtain a specified amount of information about the population parameters at minimum cost. ye this is again very 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 kya kehna chahiye highly fantastic definition ki hamare paas yahan pe sampling ka basic purpose kya hai. sampling design ka ya in general sampling ka hamare paas jo core idea hai ki hame hamari hum kehte hain required quantity of information chahiye about population parameter at minimum cost. पॉपुलेशन हमारे पास है और हम इस बात के ऊपर हाईली कन्विंस्ड हैं कि वी कैन नॉट एनालाइज दैट. इफ वी कैन नॉट एनालाइज दैट स्टिल वी हैव टू आंसर. अब आंसर देने के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू पिक सैंपल. अब वो सैंपल के पिक करने का जो प्रोसीजर है दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो केस टू केस, डेटा टू डेटा, पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन, सिटी टू सिटी, लोकेलिटी से या दूसरी लोकेलिटी, वो वैरी करता रहेगा. अब होता यह है कि हमें जो हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए और उतनी क्वांटिटी के अंदर ही चाहिए, राइट? और वो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में होगी, डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन पॉपुलेशन के बारे में होगी. लेकिन एट द सेम टाइम एक कॉस्ट फैक्टर अपनी जगह पे मौजूद है. हम ये भी चाहते हैं कि हमें वो हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए लेकिन कम से कम कॉस्ट के साथ मिले, राइट? दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी सैम्पलिंग डिजाइन. हम हर सैम्पलिंग डिजाइन को इसीलिए पढ़ रहे हैं. जब हम ये कहते हैं कि वहां पे हमारे पास ऐसा प्रिसाइज एस्टिमेट होना चाहिए वेरियंस का, तो बेसिकली हम क्यों कहना चाहते हैं, बिकॉज जितना वेरियंस हाई होगा इसका मतलब यह है कि वो जो आपके एस्टिमेटर्स हैं वो उतने ही अनरिलायबल हैं, ठीक है? हम उन पर रिलाय नहीं कर सकते. सो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज ऑफन बेटर सूटेड फॉर दिस देन इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फॉर द थ्री रीजन इंडिकेटेड इन सेक्शन 3. दैट इज हम ऑलरेडी जब हमने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग पढ़ी थी वहां पर हमने कुछ रीजंस डिफाइन किए थे जिसमें हमने ये जस्टिफाई करने की कोशिश की थी कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के मुकाबले में आपके पास जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है दैट इज बेटर. और हमने उसके तीन रीजंस दिए थे, राइट? वो क्या थे, एक तो स्मॉलर बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन. अगर हम स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास जो बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन आता है वो स्मॉलर आता है. देन अनदर फैक्टर वॉज अ रिड्यूस्ड कॉस्ट पर ऑब्जर्वेशन. and then we were having the population parameters for the subgroups of the population. agar hum ye kehte hain ki hamari population mein heterogeneity exist karti hai to agar us heterogeneity ko break karke homogeneity mein convert kiya jayega, so what is going to happen, hoga ye ki hame us har ek stratum, har ek portion of the population ke bare mein information chahiye hongi. and if we are using simple random sampling, so we are dealing the whole population in general. ab usme agar wahan pe heterogeneity exist karti hai obviously we cannot have some precise estimate. so the core objective is not met. so agar humne core objective ko meet karna tha to wahan par humne kaha tha well ye humne ek technique pad li, ek design ko humne understand kar liya, ye design exist to karta hai lekin at the same time uske andar kuch na kuch problems bhi exist karte hain. so un problems ke solution ko sort out karne ke liye we defined another technique that was a stratified random sampling, right? aur humne uske liye fir ye teen reasons, teen justifications provide kiye, right? so in this unit what we are going to do is that we are going to discuss fourth design, that is a cluster sampling, which sometimes gives more information per unit cost than do any other three design discussed previously. okay, let's have a look on that in detail.
Okay, so what is the proper definition of the cluster sampling? This is important because we will have to look into it, and I would like to spend more time on this because its understanding bahut zyada zaruri hai. If you're not having a very clear understanding, then you cannot even understand it. So a cluster sample is a simple random sample in which each sampling unit is a collection, or not only collection, is a collection or clusters of element, not a single sample. That is a cluster of elements, right? So cluster sampling is less costly than simple or stratified sampling if the cost of obtaining a frame that lists all population elements in very high, or is very high, not in very high, is very high, right? That is this. Or if the cost of obtaining observations increases as the distance separating the elements increases. What does it mean? Suppose agar aap kisi locality mein koi hum kehte hain research survey kar rahe hain, aur wahan pe jo log hain, jo log reh rahe hain, wo agar bahut scattered jagahon pe reh rahe hain, us surat mein kya hoga? You will have to travel from unit A to unit B, you will have to travel from unit B to unit C. So kya hoga, aapne agar wahan pe un scattered units ko cover karna hai, and dekhen agar aap wahan pe simple random sampling use kar rahe hain, आपने रैंडम नंबर से आपने रैंडम नंबर कोई भी रैंडम नंबर जनरेटर लिया, वहाँ से आपने कुछ घर सेलेक्ट कर लिए, से एक घर आपके पास आ गया, वहाँ पे हम कहते हैं यूनिट नंबर फोर. सो से यूनिट नंबर फोर आप गए, आपने वहाँ से ऑब्जर्व किया, एंड द नेक्स्ट जो आपका सिंपल रैंडम सैंपल से आया हुआ था दैट वॉज यूनिट नंबर टेन, और से यूनिट नंबर टेन इज फाइव किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दैट यूनिट नंबर फोर. सो क्या होगा? You will have to go there. You cannot change that sample. You cannot change that number by yourself. अगर आपने एक sampling technique को adopt कर लिया, फिर आपको उसी के ऊपर ही रहना पड़ेगा. So, in such situations, क्या होता है? आपके पास वो cost जो है वो बहुत high हो जाती है. इसीलिए उसने लिखा है, if the cost of obtaining observation increases as the distance separating the elements increases, right? जितना distance increase करता जाएगा एक unit का दूसरे unit से, ठीक है, तो क्या होगा? आपको डेफिनेटली वहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा, आपका टाइम भी लगेगा, आपकी कॉस्ट भी आएगी. सो ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल आपके पूरे के पूरे प्रोसीजर को हैक्टिक कर देंगी, राइट? सो हेयर वी आर हैविंग सम अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल. टू अंडरस्टैंड, सपोज वी विश टू एस्टिमेट द एवरेज इनकम पर हाउस होल्ड इन अ लार्ज सिटी. एक बड़े सारे शहर में हम ये देखना चाहते हैं कि एवरेज इनकम हर घर की क्या है. How should we choose a sample? Well, अगर हम अपने अगर हम यहाँ पे बात करें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की, मुझे ये पता है कि वहाँ पे से हम कहते हैं कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद, हम ये कहते हैं यहाँ 40,000 हाउस होल्ड्स हैं, 40,000 घर हैं, या 50,000 या 1,00,000 घर हैं. तो क्या होगा अगर मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करता हूँ? से मेरे पास जो सबसे पहला घर निकला वो निकला जीरो पॉइंट के ऊपर, दूसरा मेरे पास जो घर निकला वो निकला फैज़ाबाद के ऊपर, तीसरा घर मेरे पास निकला पारा के ऊपर, चौथा घर मेरे पास निकला F10 के ऊपर, पांचवा घर मेरे पास निकला H8 के अंदर. सो जस्ट इमेजिन, अगर मैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग की टेक्निक को अडॉप्ट करने जा रहा हूं, तो फिर आई एम गोना पे अ लॉट ऑन दिस. वेल, अदर अप्रोच विच लुक्स वेरी गुड एज कम्पेयर टू सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दैट इज अ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग. सो अब क्या होगा? क्या इस शहर की स्ट्रेटिफिकेशन की जा सकती है? सही, इस शहर में हम ये कहते हैं 40 सेक्टर्स हैं. सो सबसे पहली बात ये कि वो जो 40 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, राइट? सो ये काम भी नहीं हो सकता. थर्ड अप्रोच इज अ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. से अगर मैं भी कहता हूँ जी मेरे पास यहाँ पे से इस्लामाबाद में 50,000 घर हैं और मुझे 200 का सैंपल लेना है, तो क्या होगा? 200 का लेना है या से 100 का लेना है? क्योंकि हर 500th होम इज गोइंग टू बी माई सैंपल. तो सोचें 500वां घर ढूंढना, आपने पहले से कोई भी आपने घर ढूंढ लिया, से आपने वहाँ पे रैंडम स्टार्ट ले लिया लाइक फ्रॉम होम नंबर 11 से. सोचिए पहले आपने वहाँ पे हाउस होल्ड नंबर 11 को ऑब्जर्व किया, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर की, नाउ यू विल हैव टू गो टू 511, देन यू विल हैव टू गो टू 1011. सोचें घर कितने दूर बने होंगे, उसको मेयर करना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली. सो इफ यू यूज SRS, वी विल नीड अ फ्रेम लिस्टिंग ऑल हाउस होल्ड्स दैट इज द एलिमेंट्स इन द सिटी, एंड दिस फ्रेम मे बी वेरी कॉस्टली और इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन. एग्रीड? वी कैनॉट अवॉइड दिस प्रॉब्लम बाई यूजिंग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बिकॉज अ फ्रेम इज स्टिल रिक्वायर्ड फॉर ईच स्ट्रेटम इन द पॉपुलेशन.
Rather than draw a simple random sample of the elements, we could divide the city. Now, here is a solution. हम ये काम कर सकते हैं कि हम उस पूरे सिटी को into regions such as blocks or clusters of elements and select a simple random sample of blocks from the population. पहले हम ये करेंगे इस पूरे शहर को different blocks पे divide कर दें, 10-12 blocks में divide कर दें. फिर वहां से randomly किसी block को select किया जाए और फिर उस block के अंदर में जाके हम वहां पे simple random sampling या stratified random sampling या systematic sampling हम use कर सकते हैं. So this task is easily accomplished by using a frame that lists all city blocks. Then the income of every household within each sampled block could be measured. Okay? So there is another reason. Although कि हमने वो reason तो define कर दिए हैं जो reason हमारे पास आ रहे थे कि हमारे पास वहाँ पे distance matter था, we could not use simple random sampling, we could not use stratified or systematic. But there is another reason. To illustrate the second reason for using cluster sampling, suppose that a list of households in the city is available. देखें, जब हमने simple random sampling का कहा था कि हम वो use नहीं कर सकते या stratified हम use नहीं कर सकते, तो हमने वहाँ पे एक ही logic दी थी कि हम वो इसलिए use नहीं कर सकते, we don't have the list. If we don't have the list, तो फिर हम use नहीं कर सकते. लेकिन if we have the list, we could select a simple random sample of households जिनके बारे में हम कहते हैं which probably would be scattered throughout the city. जैसे मैंने भी जब मैं इसके explanation कर रहा था तो मैंने भी वहाँ पे ये बात बोली थी कि अगर हमसे एक घर मेरे पास आ गया house number 11, दूसरा मेरे पास घर आ गया house number 1024, तो well उसकी selection, उसकी finding और that is going to be hectic. The यहाँ पे कहते हैं the cost of conducting interviews in the scattered households would be large owing to the interview travel time and other related expenses. Well, उसका ट्रैवलिंग टाइम भी लगेगा और उसको एक्सपेंसेस भी पे करने पड़ेंगे. स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कुड लोअर दीज एक्सपेंसेस बट यूजिंग क्लस्टर सैम्पलिंग इज मोर इफेक्टिव मेथड ऑफ रिड्यूसिंग ट्रैवल कॉस्ट. वेल कहता है इस सिचुएशन के अंदर आपकी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है वो बहरहाल इस कॉस्ट को या इस तरह के एक्सपेंडिचर को लो तो कर सकती है, लेकिन हम देखेंगे कि अगर आप क्लस्टर सैम्पलिंग यूज करें दैट इज मोर इफेक्टिव मेथड एज कंपेयर टू एनी अदर मेथड. सो एलिमेंट्स विद इन अ क्लस्टर शुड बी क्लोज टू ईच अदर ज्योग्राफिकली एंड हेंस ट्रेवल एक्सपेंसेस शुड बी रिड्यूस्ड. जो 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 हमारी टेक्निक है उसमें क्या है कि पहले ऐसा करें कि शहर को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर दें, उस पर आप कोई भी हम कहते हैं क्राइटेरिया रख सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू. उसके बाद वहां से रेंडमली एक या दो ब्लॉक्स हम चूज करें और उन ब्लॉक्स में जाके अगर हम सिंपल रेंडम सैम्पलिंग यूज कर लें या तमाम के तमाम एलिमेंट्स को भी ऑब्जर्व कर लें. सो चूंकि वो सारे यूनिट्स हम कहते हैं ज्योग्राफिकली एक जगह पे कंसेंट्रेटेड होंगे, सो दैट इज गोना हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट. ऑब्वियसली ट्रैवल विद इन अ सिटी ब्लॉक वुड बी मिनिमल व्हेन कंपेयर विद द ट्रैवल एसोसिएटेड विद अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ऑफ हाउसहोल्ड्स विद इन द सिटी. सो टू समराइज, क्लस्टर सैम्पलिंग इज एन इफेक्टिव डिजाइन फॉर ऑब्टेनिंग अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट मिनिमम कॉस्ट अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस. वेल आपको क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन और आपको जो आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो दे तो सकती है विद अ मिनिमम कॉस्ट, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन का होना जरूरी है. अ गुड फ्रेम लिस्टिंग पॉपुलेशन एलिमेंट्स आइदर इज नॉट अवेलेबल और इज वेरी कॉस्टली टू ऑब्टेन व्हाइल अ फ्रेम लिस्टिंग क्लस्टर्स इज इजीली ऑब्टेन. वेल अगर तो आपके पास कोई हम कहते हैं क्लियरली कोई ऐसी लिस्ट मौजूद नहीं है, कोई ऐसी फ्रेम मौजूद नहीं है जो सारे के सारे एलिमेंट्स का रिकॉर्ड जिसके अंदर हो, से अगर हम घरों की बात करें तो अगर इस्लामाबाद पूरे के तमाम घरों की लिस्ट मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे पास ये लिस्ट जरूर मौजूद है कि कौन से सेक्टर में उसके कौन से हम के हब के अंदर कौन सी गली के अंदर कितने घर हैं, अगर मेरे पास ये लिस्टें मौजूद हैं तो फिर यहाँ पे क्लस्टर सैम्पलिंग कैन प्रोवाइड मी सम गुड रिजल्ट्स. वेयर एज द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ऑब्जर्वेशंस इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस यहाँ पे सेपरेटिंग द एलिमेंट्स इंक्रीजेस. अगर हमारे पास वहां पे जो यूनिट्स के दरमियान जो आपके एलिमेंट्स के दरमियान वहां पे डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, अगर उनका डिस्टेंस ज्यादा है तो फिर हमारे लिए ऑब्वियसली वहां पे क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो जो बेटर अप्रोच है कि हम वहां पे पूरे सिटी को हमको डिफरेंट ब्लॉक्स में वहां पे डिवाइड कर दी जाए. सो सिटी ब्लॉक्स आर फ्रीक्वेंटली यूज एज क्लस्टर्स ऑफ हाउसहोल्ड्स और पीपल बिकॉज इन मेनी डेवलप्ड सिटीज
स्टेटिस्टिक्स ब्यूरो यूजुअली रिपोर्ट्स वेरी डिटेल्ड ब्लॉक स्टेटिस्टिक्स. पाकिस्तान में तो खैर ये चीज थोड़ी सी नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में आपको वहां पे हर ब्लॉक की, हर स्ट्रीट की, हर एक हम कहते हैं कम्युनिटी की पूरी पूरी स्टैटिस्टिक्स वहां पे अवेलेबल होती हैं. उसमें आपके नंबर ऑफ हाउसेस भी पता होते हैं और आपको वहां पे हाउस होल्ड्स के अंदर कितने लोग रह रहे हैं वो भी पता होता है. इवन बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे उनके पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं. इन सेंसस डेटा अ ब्लॉक मे बी अ स्टैंडर्ड सिटी ब्लॉक और एन इरेगुलरली शेप्ड एरिया विद आइडेंटिफाइबल पॉलिटिकल और द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज. ये बात थोड़ी सी होता ही है कि या तो आपके पास एक हम कहते हैं स्टैंडर्ड सिटी ब्लॉक बना हुआ हो जो कि आपके प्लान्ड आपके जितने भी एरियाज होते हैं वहां पे किया जाता है, या अगर वो ऐसा प्लान नहीं भी है लेकिन स्टिल ये पता चल रहा है कि वहां पे आइडेंटिफाइबल हम कहते हैं जियोग्राफिकल बाउंड्रीज एग्जिस्ट करती हैं. राइट. डेटा रिपोर्टेड फॉर ईच ब्लॉक इंक्लूड्स टोटल पॉपुलेशन, अच्छा रेशन मिक्स एंड नंबर ऑफ हाउसिंग यूनिट्स एंड दे मे इंक्लूड द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी whether the unit is owned or rented by the inhabitants and whether the unit has वहाँ पे complete plumbing facilities हैं कि नहीं है. ऐसे बहुत सारे हम कहते हैं information हमारे पास available हो सकती हैं. So block statistics from the census bureau are widely used in the cluster by market research firm which may want to estimate the potential market for a product or the potential sales if the new store were to open in the area or the potential number of clients for a new service such as an emergency medical facility and etc and etc. There are many other common examples of the uses of cluster sample. This is not users, that is the uses. Okay, housing units themselves are clusters of people and may form the convenient sampling unit when sampling college students, for example. Hospitals form the convenient clusters of patients with a certain illness for studies of the average length of time hospitalized or average number of recurrence of these illness. Elements other than people are often sampled in clusters. Well, this is important. An automobile forms a nice cluster of four tires for studies of the tire wear and safety. This is very interesting example. A circuit board manufactured for a computer forms a cluster of semiconductor for testing. An orange tree forms a cluster of oranges for investigating an insect infestation. A plot in a forest contains a cluster of trees for estimating the timber clusters that are convenient unit for the sampling is endless. Iski endless examples di ja sakti hain. Now the question is that how to draw a cluster sample. Well, hame idea to ho gaya cluster sample ek bahut achhi bahut important technique hai, aapke paas cost bhi reduce karegi, aapko aapki required quantity aur amount of information bhi provide karegi. Now the question is that ki ye cluster sample draw kaise kiya jaye. A first task in cluster sampling is to specify appropriate clusters. So, first thing first is that आपको सबसे पहले ये specify करना है कि आपके appropriate clusters हैं कौन कौन से और कितने हैं. Elements within a cluster are often physically close together and hence tend to have a similar characteristic. What does it mean? देखिए suppose करें अगर हम इस्लामाबाद की या हम कहते हैं लाहौर की बात करते हैं तो हम वहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर कॉलोनी को या किसी पर्टिकुलर टाउन को सिलेक्ट करते हैं तो उस टाउन के अंदर मोर लेस एक जैसे लोग रहते हैं. एक जैसे लोग से मुराद यहाँ पे यह है कि उनके फाइनेंशियल जो हम कहते हैं पैटर्न्स हैं या फाइनेंशियल हैबिट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं. सो स्टेटेड अनदर वे द मेजरमेंट ऑन वन एलिमेंट इन अ क्लस्टर मे बी हाईली कॉरिलेटेड विद द मेजरमेंट ऑन अनदर. जब उनका पैटर्न एक जैसा है, उनका रहन सहन एक जैसा है, उनकी इनकम एक जैसी है, उनके फैशन एक जैसे हैं तो फिर अगर हम वहां पे किसी भी दो एलिमेंट से किसी भी दो यूनिट से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो क्या होगा कि वो ऑलमोस्ट सेम ही होंगी. राइट. और उसका मतलब है हाईली कोरिलेटेड होंगी. दस द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर मे नॉट बी इंक्रीज सब्सटेंशियली एज न्यू मेजरमेंट्स आर टेकन विद इन द क्लस्टर. सो आप एक क्लस्टर से
अगर आपने एक एक यूनिट से इंफॉर्मेशन ली है, आप उसको दो कर देते हैं, दो से आप चार कर लेते हैं, चार से आप आठ कर लेते हैं, आठ से आप दस कर लेते हैं, बीस कर लेते हैं, वो बेसिकली अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्रीज नहीं करेगी, सिर्फ आपके सैंपल्स इंक्रीज हो जाएंगे. बिकॉज जब वो सारे आपस में होमोजीनियस हैं, सबका पैटर्न, सबका रहन सहन, सबका खाना पीना एक जैसा है, तो फिर उनके वहाँ रिस्पॉन्सेज भी एक जैसे होंगे. तो मैं वहाँ पे दो से लूँ या बीस से लूँ, मेरे पास अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन में कोई खास इजाफा नहीं होगा. सिंस मेयरमेंट कॉस्ट मनी, एन एक्सपेरिमेंटर वुड वेस्ट मनी बाई चूजिंग टू लार्ज अ क्लस्टर साइज. तो कोशिश यही की जाती है कि आपका क्लस्टर साइज छोटा हो, राइट, आपके नंबर ऑफ क्लस्टर्स ज्यादा बने. जितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स ज्यादा होंगे, उतने आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होंगी. इन सच केसेस अ सैंपल कंटेनिंग अ फ्यू लार्ज क्लस्टर कुड प्रोड्यूस अ वेरी गुड एस्टिमेट ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर सच एज मीन. हम इस बात पर दोबारा वापस आएंगे, ठीक है. सो अगेन वी आर हैविंग अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल. सपोज क्लस्टर्स आर फॉर्म्ड बाई बॉक्सेज ऑफ द कंपोनेंट्स कमिंग ऑफ प्रोडक्शन लाइन्स, one cluster of components per line. If all lines have approximately the same rate of defects, then the component in each cluster are about as variable with respect to the quality as the population as a whole. In this situation, a good estimate of the proportion of defective produce could be obtained from one or two clusters. In contrast, suppose that as school districts are specified as clusters of households for estimating the proportion of households that favor a rezoning plan. Rezoning plan ka matlab ye hai ki usko ek jagah se utha ke dusri jagah pe ja ke shift kiya jaye. Since the cluster contain many households, resources allow only small number of clusters, say 2 or 3 to be sampled. In this case, most of the households in one district may be happy with their schools and not favor rezoning, while most households in another district may be unhappy with their schools and strong favor rezoning. A small sample school districts may miss one or the other of these groups entirely, thereby yielding a very poor estimate. More information may be obtained by sampling a large number of clusters of a smaller size. The problem of choosing an appropriate cluster size can be even more difficult. The problem of choosing an appropriate cluster size, एक cluster का size कितना हो, can be even more difficult when an infinite number of possible cluster sizes are available, as in the selection of the forest plots to estimate the proportion of infected trees. If there is variability in the density of infected trees across the forest, then many small plots or clusters randomly or systematically located would be desirable. However, locate a plot in a forest is quite time consuming, and once sampling many trees in that one plot is economically desirable. Thus, many small plots are advantages for controlling variability, but a few large plots are advantages economically. देखना ये है आप कहाँ पे compromise करते हो, आप अपनी cost पे compromise करते हो या आप वहाँ पे अपनी variability पे compromise करते हो. So बहुत सारे छोटे छोटे plots जो हैं वो आपको एक low variability पे estimates दे देंगे, लेकिन अगर थोड़े से आप बड़े plot ले लेंगे, थोड़े हों in quantity, थोड़े हों लेकिन हों बड़े प्लॉट्स, वो आपको वहाँ पे कॉस्ट तो कम करेंगे, लेकिन अगर आपके पास छोटे प्लॉट्स वहाँ पे छोटे प्लॉट्स हों और वो क्वांटिटी में ज़्यादा हों. अ बैलेंस बिटवीन साइज एंड द नंबर ऑफ प्लॉट्स मस्ट बी अचीव्ड. देयर आर नो गुड रूल्स दैट ऑलवेज होल्ड फॉर मेकिंग दिस डिसीजन. ईच प्रॉब्लम मस्ट बी स्टडीड ऑन इट्स ओन, बट द पायलट सर्वेज विद द वेरियस प्लॉट साइजेस माइट हेल्प पॉइंट द एक्सपेरिमेंटर इन द करेक्ट डायरेक्शन. Notice that main difference between the optimal construction of strata and the construction of clusters. अब यहाँ पे अगेन देखें, this is some sort of analysis phase, आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि हम analysis को separate नहीं कर रहे. We can write it here. This is the analysis between stratification and the clusters.
So because the strata are to be as homogeneous as possible within, but one stratum should differ as much as possible from another with respect to the characteristic being measured. ये बात हमें पता है बिकॉज हम ऑलरेडी स्ट्रेटिफिकेशन को पढ़ चुके हैं और हमें ये पता है कि जितने भी स्ट्रेटा वहां पे लिए जाते हैं होता ही है कि अगर हमारे पास मैं यहां पे इसको बना देता हूं, अगर ये मेरे पास हम कहते हैं होल पॉपुलेशन है, सो मैं क्या करता हूं, मैं इसको इसको और इसको, अब ये सारे आपस में होमोजीनियस है. सो व्हाट वी डिड बेसिकली, हम यहां पे स्ट्रेटिफिकेशन है, हमने यहां पे क्या किया, हमारे पास पूरी की पूरी पॉपुलेशन यहां पे हेट्रोजीनियस थी. सो व्हाट वी डिड, हमने उन सबको होमोजीनियस बना दिया. वेयर एज अब हम देखें, अब हम क्लस्टर्स में क्या करते हैं. On the other hand, should be as heterogeneous as possible within. तो हम क्या चाहते हैं कि अगर मैंने that is cluster one, that is cluster two, so क्या होगा कि इनसाइड द क्लस्टर क्या होगी, हेट्रोजेनाइटी होगी. यहां पे क्या हो रहा है कि इन बिटवीन दिस इज योर हेट्रोजेनाइटी, इन बिटवीन दिस इज योर हेट्रोजेनाइटी, इन बिटवीन दिस इज हेट्रोजेनाइटी, वेयर एज ये दो इन बिटवीन होमोजेनाइस, यहां पे जब होमोजेनाइटी होगी लेकिन इनसाइड ईच क्लस्टर these clusters are heterogeneous. So now us yahan par aapko definition mein bhi yahi baat boli hui hai ki ji clusters on the other hand should be as heterogeneous as possible within, and one cluster should look very much like another in order for the economic advantage of the cluster sampling to pay off. Once appropriate clusters have been specified, a frame that lists all clusters in the population must be composed. A simple random sample of clusters is then selected from this frame by using the methods we have already discussed. Let's have an example to understand this. This is example 5.1, this is unit number 5. So this is example 5.1. A sociologist wants to estimate the average per capita income in a certain small city. No list of resident adults is available. How should he or she design the sample survey? Well, no need to write it because this is already solved here. So अब कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं है लेकिन वो सर्वे करना चाहती है, सो हैव अ लुक कि हम यहां पे क्लस्टर को कैसे जस्टिफाई करते हैं. सो द क्लस्टर सैंपलिंग सीम्स टू बी द लॉजिकल चॉइस फॉर द सर्वे डिजाइन बिकॉज नो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर अवेलेबल. सो द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया कि जिसकी बेस पे हम ये कहते हैं कि वेल ठीक है हम यहां क्लस्टर यूज कर लेंगे. द सिटी इज मार्क्ड ऑफ इन टू द रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स एक्सेप्ट फॉर टू इंडस्ट्रियल एरियाज एंड थ्री पार्क्स दैट कंटेन ओनली अ फ्यू हाउसेज. The sociologist decides that each of the city block will be considered one cluster, the two industrial areas will be considered one cluster, and finally the three parks will be considered one cluster. So the clusters are numbered on a city map with a number from 1 to 415. The experimenter has enough time and money to sample n is equal to 25 clusters and to interview every household within each cluster. Hence, 25 random numbers between 1 and 415 are selected from random number table, and the clusters having these numbers are marked on the map. Interviewers are then assigned to each of the sampled clusters. So, हमने क्या किया? हर एक सैंपल क्लस्टर को इंटरव्यूअर वहां पे असाइन कर दिया, राइट? सो
दैट इज द मेथडोलॉजी के जिसकी मदद से हम यहां पे क्लस्टर सैम्पलिंग को हैंडल करते हैं. सो फार हम अपने आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, बिकॉज इसके बाद हमने जाना है एस्टीमेशन के ऊपर, जहां पे हम इसके डिफरेंट चीजों को एस्टीमेट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व सम सर्टेन एग्जांपल्स. बट मैं चाहूंगा कि उसके लिए हम एक फुल फ्लेज सेपरेट सेशन लगाएं, जिसके अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी क्लस्टर सैम्पलिंग को वहां पे वाइंड अप कर सकें. सो फार आज का लेक्चर जो यहां तक हमने देखा, वेल लेट मी गो बैक कि आज के हमने कहां से स्टार्ट किया. वेल दिस वाज द प्रीव्यू ऑफ द लेक्चर, लास्ट लेक्चर. सो वी वर हेयर, हमने यहां पर रिपीटेड सैंपल की जिसका कॉन्सेप्ट था उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. हमने यहां पे 10 सैंपल उठाए, ठीक है, और हर सैंपल के अंदर हमने 8 एलिमेंट्स रखे. तो इश्यू ये था कि वो 10 सैंपल कैसे उठाए गए. हमने सबसे पहले ये काम किया कि हमने यहां पे ns, दैट वाज नंबर ऑफ सैंपल्स वाज 10, और k वाज बेसिकली n बाय n व्हिच वाज 5. सो हमने जब k प्राइम सेलेक्ट किया दैट वाज 50, बिकॉज दैट वाज हम कहते हैं ns k था, राइट. उसके बाद हमने अपने ऐसा 1 और k प्राइम के दरमियान जितने हमें रिक्वायर्ड थे, से यहां पे हमने कहा 10 रिक्वायर्ड थे, हमने वो 10 रैंडम नंबर जनरेट किए. जब वो 10 रैंडम नंबर जनरेट हो गए, उसकी मदद से हमारे पास यहां पे सबसे पहला एलिमेंट हमने डिजाइन किया. सो दैट वाज द फर्स्ट एलिमेंट. हमने उनको ऑर्डर में लिख दिया 2, 5, 7, 13, 26, 31, 35, 40, 45 and 46. हमने इन गाड़ियों को जैसे ये आई तो एंट्री पॉइंट के ऊपर हमने देख लिया कि इनमें कितने वहां पे अफराद बैठे हुए थे, वो लिख लिए. देन जब हमने अपना सेकंड एलिमेंट चुना, तो चूंकि ये हमारा सैंपल नंबर 1 है, इस सैंपल नंबर 1 का जो जब यहां दूसरा एलिमेंट दैट वाज हमने प्लस के प्राइम, एंड सो ऑन. तो हमारे पास के प्राइम क्या था, मैं लिख देता हूं के प्राइम इज इक्वल टू 50. सो 50 प्लस 2 दैट इज 52, 52 प्लस 50 102, 102 प्लस 50 152 एंड सो ऑन. सिमिलरली हमने हर एक सैंपल का इलाहदा से उसका मीन भी फाइंड कर लिया, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी ट्राई टू एस्टिमेट दीज पैरामीटर्स. ओके, सो आफ्टर दैट वी कंक्लूडेड द होल यूनिट एंड हमने फिर ये देखा कि हमारे पास यहाँ पे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहाँ कहाँ यूज की जा सकती है, किन चीजों का क्या रोल होता है, वहां पे पॉपुलेशन का क्या रोल होता है एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दैट. ओके, आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे फोर्थ डिजाइन जो था वो पिक्चर में आया, दैट वाज अ क्लस्टर सैम्पलिंग. और हमने इसके इंट्रो के अंदर ये जहां पर यह बात देखी, बल्कि इसकी डेफिनेशन पे हम जाते हैं, दैट इज अ सिंपल रैंडम सैम्पल इन विच ई सैम्पल यूनिट इज अ कलेक्शन और द क्लस्टर्स ऑफ एलिमेंट्स. बेसिकली इसके थीम को अंडरस्टैंड करने से पहले यह बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी क्लस्टर सैम्पलिंग की बात की जा रही होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको देखते हैं जब भी हमारे पास हम कहते हैं सम सॉर्ट ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर यह बिलीव किया जाता है कि एक जगह पर हमेशा एक जैसे लोग रहते हैं. यानी एक अगर हम सराउंडिंग की बात करें, एक मोहल्ले की बात करें, गली की बात करें, तो अब जितने भी लोग रह रहे हैं वो मोर और लेस एक जैसे ही होते हैं. उनका बिहेवियर भी एक जैसा है, उनके रिस्पॉन्सेज भी एक जैसे हैं, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी एक जैसी हैं. तो जब वो सारी चीज़ें एक जैसी हैं, इसका मतलब यह है कि हम उनको एक इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप वी कैन फॉर्मुलेट दैट. जब उसके बाद हम फिर वहां से कोई ना कोई सर्वे या कोई ना कोई इंटरव्यू किया जा सकता है. सो द क्लस्टर सैम्पलिंग, हमने ये बोला कि दैट इज लेस कॉस्टली देन सिंपल और द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, बिकॉज इसमें हमें वहां पे किसी लिस्ट की जरूरत नहीं होती. हाँ, हमें लिस्ट की जरूरत होती है, लिस्ट ऑफ क्लस्टर्स की. तो वो हम बेसिकली आमतौर पर जब भी शहरों के अंदर या मुल्कों के अंदर कोई भी इस तरह की रिसर्च की जाती है, तो उस शहर को या उस मुल्क को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है. यहाँ पे हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल भी देखी, हमने डिफरेंट यहाँ पे रीजन को भी जस्टिफाई किया, जिसकी वजह से हमने ये बोला कि आपकी क्लस्टर्स आपने जो है वो एक बहुत अच्छी अप्रोच है. लेकिन हमने उसके लिए दो कंडीशंस डिफाइन की कि अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तब हम ये कह सकते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग इज अ गुड अप्रोच. एक तो यह है कि आपके पास कोई अच्छी लिस्ट या से फ्रेम अवेलेबल ना हो, और दूसरी बात यह है कि आपके जो यूनिट्स हैं वो अगर ज्यादा हम कहते हैं वहां पर जो डिस्टेंस है उस पर नहीं पाए जाते,
ठीक है, अगर वो पास पास हैं तो फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि आप क्लस्टर सैम्पलिंग यूज ना करें. एंड इफ यू आर हैविंग अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन 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 होल ऑफ योर टारगेट पॉपुलेशन, सो इट्स बेटर टू गो फॉर द सिस्टमैटिक और द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. वो आपको अच्छे रिजल्ट देगी एज कम्पेयर टू क्लस्टर सैम्पलिंग. देन हमने यहाँ पे सिटी ब्लॉक्स की बात की कि आपको सिटी ब्लॉक्स का फॉर्मेट कैसा होता है. वो बेसिकली इस फॉर्म में डिजाइन होते हैं कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं वहाँ पे, आपके हाउस होल्ड कितने हैं, पर हाउस होल्ड उसका साइज कितना है. तो ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन हमें आमतौर पर अवेलेबल होती हैं. देन हमने ये भी बोला कि बाहर के मुल्कों में ये भी होता है, बाहर से मुराद ये अब्रॉड एंड डेवलप्ड कंट्रीज की बात हो रही है, कि जो ऑलरेडी मतलब हम कहते हैं एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं या से जहाँ पे ऐसे एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं वहाँ पे आपकी ब्लॉक स्टैटिस्टिक अवेलेबल होती है. और ब्लॉक स्टैटिस्टिक वहाँ का सेंसस ब्यूरो, वहाँ का स्टैटिस्टिक ब्यूरो इशू करता है, जो बेसिकली आपके किसी एक ब्लॉक के अंदर मौजूद तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे हाईलाइट भी करता है और आपको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, राइट. बहुत सारी कॉमन एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पे हम ये कहते हैं कि ऑलरेडी कुछ नेचुरल क्लस्टर्स भी बने होते हैं. अब वो नेचुरल क्लस्टर्स क्या हो सकते हैं, से आपका हॉस्पिटल एक नेचुरल क्लस्टर होता है, आपका ऑरेंज ट्री दैट इज अ नेचुरल क्लस्टर होता है, आप हम कहते हैं जंगल में कोई आपका प्लॉट है वो एक नेचुरल क्लस्टर होता है, ऑटोमोबाइल एक गाड़ी जो है बेसिकली जिसके चार टायर लगे होते हैं वो भी एक क्लस्टर है जो आपकी हेल्प कर सकता है कि आप वहाँ पर डिफरेंट तरह के टायर्स लगा के उनकी उनकी क्वालिटी को मेजर कर सको, राइट. सो देन हमने बात की थी कि हाउ टू ड्रा अ क्लस्टर सैंपल. दैट वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब हमें यह समझ आ गई कि ठीक है देयर आर सम सर्टेन सिचुएशंस इन विच वी नो दैट क्लस्टर सैंपलिंग इज अ गुड अप्रोच, देन द क्वेश्चन कम्स कि हाउ टू ड्रा अ क्लस्टर सैंपल. इसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल स्टडी की कि क्या होना चाहिए हमें. हमारे पास बहुत सारे बड़े मतलब हम दो देखें दो अप्रोचेस पॉसिबल हैं. अगर हम चार बड़े बड़े क्लस्टर बना रहे हैं पूरी सिटी में से और उसके अंदर से हम 100 का सैंपल ले लें हर एक में से, सो वी कैन गेट 400 सैंपल्स, ठीक है, टोटल सैंपल साइज 400. लेकिन अगर हम ये करें, अगर हम पूरे शहर को 100 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दें और हर क्लस्टर में से चार चार का सैंपल ले लें तो सैंपल फिर भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आर लाइक गोइंग टू बी 400. लेकिन अगर हम पूरे शहर को 100 क्लस्टर में डिवाइड करेंगे सो वी कैन हैव मोर इन्फॉर्मेशन, राइट. क्यों? बिकॉज अगर आप चार बड़े बड़े क्लस्टर बनाओगे तो एक तो वहां पे हेट्रोजेनिटी भी आएगी, दूसरा अगर आपने इस तरह नहीं किया तो आपके पास बहुत ज्यादा डिफरेंट तरह के जो आपके एलिमेंट्स हैं वो भी उस एक क्लस्टर में आ जाएंगे. सो अगर हम पूरे शहर को 100 हम कहते हैं डिफरेंट तरह के लोगों के हिसाब से डिवाइड कर दें, खा वो इनकम लेवल है, खा वो हम कहते हैं उनके कंट्री ऑफ बर्थ जैसे प्लेस ऑफ बर्थ है, खा वो लिंग्विस्टिक ग्राउंड है, कोई भी ग्राउंड है, अगर हम उनको उसकी बेस पे डिवाइड कर दें सो वी कैन हैव सम फेयर इन्फॉर्मेशन. हमारे पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हम कहते हैं यहां पे अवेलेबल हो सकती है. देन हमने बात ये की थी कि हमारे पास हमने यहां पे इसकी एग्जांपल देखी थी कि मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑप्टिमल कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रेटा एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लस्टर्स. हमने स्ट्रेटिफिकेशन में क्या बात की थी कि आपकी पॉपुलेशन पूरी की पूरी हेट्रोजीनियस है एंड यू हैव टू ब्रेक दैट हेट्रोजीनिटी इनटू द होमोजीनियस ग्रुप्स, जब हम ये बात कहते हैं. बट इन द क्लस्टर सैंपलिंग हम ये बात नहीं कहते, हम यहाँ पे ये कहते हैं कि आपने वहां पे हेट्रोजीनियस ग्रुप्स बनाने हैं कि हो क्या कि एक क्लस्टर शुड लुक लाइक अनदर क्लस्टर एंड दैट क्लस्टर शुड लुक लाइक अनदर क्लस्टर. सो बेसिकली these information and these techniques, ये basic difference है कि आपकी stratification के अंदर क्या होता है कि inside the group homogeneity होती है but हम कहते हैं between the groups heterogeneity होती है. but if you're dealing with a cluster sampling तो inside the group आपकी heterogeneity होती है but हम कहते हैं between the groups जो है वो homogeneity होती है. then हमने ये सारी चीजें देखी, फिर हमने एक हम यहाँ पे हमने example भी ली कि हमारे पास sample drawing procedure क्या हो सकता है और हमने उसको यहाँ पे डिफाइन भी करके देखा. देन हम यहाँ पे अपने आज के लेक्चर को हम कहते हैं फाइनल कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं. इंशाल्लाह हम जब अपने अगले लेक्चर में आएंगे देन वी विल बी हैविंग सम मोर प्रिसाइज एग्जांपल्स एंड सम मोर प्रिसाइज एस्टिमेटर्स रिगार्डिंग क्लस्टर सैम्पलिंग. सो हैव अ लुक ऑन दिस. सो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. सो तब तक अल्लाह आपका हामी व नासिर हो.